लॉयर्स का काम जो है वो काफ़ी जिम्मेदारियों वाला होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी होता है। अब इस लॉ के आने के बाद जो पुराने मैटर हैं यानी जो पुराने केस फाइल हो चुके हैं वो पुराने ही दफ़ा के साथ चलेंगे, धारा उसमें पुरानी ही चलेगी, उसी के साथ फैसला होगा। जो नए हैं वो नए के साथ चलेंगे। कितना डिफ़िकल्ट होगा दोनों धाराओं को, दोनों केसेस को याद रखना, सभी एक्ट सभी लॉ को याद रखना? ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नहीं हैं, इंसान हैं। इंसान हमेशा हमेशा गलती करता है, कुछ भूल करता है। और जो पुराने केसेस अभी हैं हम लोगों के पास या जो भी चल रहे हैं, ये समझिए पुरानी लॉ अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये आने वाले 10 साल, 20 साल या 30 साल तक और चलने वाला है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद, और इस वक्त हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जो 3 कानून लाए गए हैं, यानी आईपीसी को चेंज कर दिया गया है, सीआरपीसी को चेंज कर दिया गया है, आईईए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट इसे भी चेंज कर दिया गया है, जिसके बाद वकील लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तमाम लॉयर्स लोगों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है, लोग मुखालिफत के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। आखिर वजह यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कानून के नाम को पूरी तरह से बदल दिया है, और उसमें कुछ एक्ट, कुछ धाराएं, कुछ सजाएं जो है उसे भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो हमारे साथ एडवोकेट मलिकुद्दीन साहब है जो कलकत्ता हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन 3 कानून के नाम बदल देने से और इस तरह की धारा को जो चेंज करने से वकीलों पर, जज को फैसला सुनाने में और पुलिस को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और पब्लिक के लिए ये कानून जो है हार्मफुल है या फिर फायदेमंद है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जो 3 कानून के नाम यानी सीआरपीसी, आईपीसी और आईएए खास तौर से, तो इन तीनों को जो चेंज कर दिया गया है, आखिर कितना असर पड़ेगा और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको सेक्युलरिज्म नज़रिए से नहीं देखता हूँ क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे बहुत किस्म के लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। ये जो नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को, इंडियन जी पेनल कोड को रिप्लेस करने करके, तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से ये नाम सही नहीं है। ये नाम वही जो पुराना नाम था हम लोग का, इंडियन पेनल कोड, वही नाम देना चाहिए था। क्योंकि जी इंडिया में बहुत किस्म की जाति रहती है, लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, मुसलमान हैं, पंजाबी हैं, साउथ में जितना कन्नडन है, तमिल है, तो जी ये नाम जो दिया गया ये सेक्युलर नाम नहीं है, तो ये नाम नहीं होना चाहिए था। जो नाम पुराना था वही नाम रखना चाहिए था। जो नए लॉज आए हैं पूरा ही इनको माने रिशफल कर दिया गया है, पूरा ही मतलब नए तरीके से पूरा सेक्शंस को यहाँ पे दिया गया है। वो सब सेक्शंस को फिर से याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हम लोग के लिए, सभी के लिए होगा। लेकिन जो पावर दिया गया है पुलिस को, ये बहुत डेंजरस है। ये जो पावर दिया गया है, जो कस्टडी का जो पीरियड था पहले हम लोग का, कि जब अरेस्ट होता था कोई भी केसेस में, वो 15 डेज, जो पहला 15 डेज है वो 15 डेज मैक्सिमम कस्टडी 15 डेज पुलिस को दी जाती है। तो वो पहले 15 डेज में या 5 दिन कस्टडी मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करे या 10 दिन करे या पूरा फुल टर्म 15 डेज ऑथोराइज करे, वो 15 डेज के अंदर में ही होता था। लेकिन ये जो अभी जो प्रोविज़न, नया प्रोविज़न आया 187 क्लॉज 2 में, तो वो प्रोविज़न बता रहा है कि पार्ट पार्ट करके पुलिस की कस्टडी जो है वो आपका 40 डेज, 60 डेज के अंदर में वो 15 डेज कभी भी ले सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपका है कि 154 सीआरपीसी में पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होता था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, कि जहाँ पे कॉग्नाइजेबल केस का कमीशन कंप्लेंट पड़ता है पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाज मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर। बट अभी इस लॉ में नया जो प्रोविज़न आया है इसमें पुलिस को ये ऑथोराइज किया गया है 14 डेज, अगर कोई कंप्लेंट पड़ता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का, तो भी पुलिस अगर चाहे तो एफआईआर नहीं रजिस्टर करेगी। 14 डेज की उसको अथॉरिटी दिया गया है इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी करने के बाद ये डिस्क्रिशन पुलिस को दिया गया है कि अगर उसको लगा कि हाँ ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और अगर ऐसी घटना घटी है, तो वो फिर एफआईआर रजिस्टर होगा, जो पहले के लॉ में नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था।
ये पावर जो दिया गया बहुत डेंजरस पावर है। सेक्शन 200 सीआरपीसी में हम लोग पहले कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में फाइल करते थे, वहाँ डायरेक्ट कोर्ट कॉग्नाइजेंस लेता था उस कंप्लेंट को। लेकिन अभी जो नया प्रोविज़न आया है, इसमें एक नया एक और सेक्शन ऐड कर दिया गया है कि अगर कोई कंप्लेंट पड़ता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या उसको डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस नहीं लेगी, सबसे पहले एक्यूज्ड को समन्स करेगी या नोटिस करेगी, उसके बाद एक्यूज्ड का बात को सुन के उसके बाद अगर कोर्ट को लगा हाँ कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए तो कॉग्नाइजेंस लेगा। तो ये भी एक डेंजरस लॉ है, प्रोविज़न है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये प्रोविज़न जो है वो हानिकारक है ज़्यादा, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा पुलिस को दे दी गई है तो इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। मीडिया को लेकर क्या कुछ चेंज हुआ है उसमें, ये आप क्या बताना अभी चाहेंगे? तक मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इस नए लॉ को, कि मीडिया जिस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल ऑफेंसेस को, तो उस केसेस में मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती है। जो केसेस पेंडिंग अभी कोर्ट में हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा रिटेन में, उसके बाद फिर वो उस चीज़ को वो मीडिया दिखा सकती है, रिपोर्ट कर सकती है, जहाँ तक अब तक मुझे समझ में आया। देशद्रोह को लेकर क्या जो नया शामिल किया गया है जिस तरह से, वो कितना खतरनाक हो सकता है, या वो उसमें क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत थी? देखिए, देशद्रोह का जो ऑलरेडी हम लोग के पास एक टेररिज्म का कानून था, टेररिस्ट एक्ट था, अभी इस नए प्रोविज़न में आपको एक सेक्शन डाला गया है, 113 का भारतीय न्याय संहिता में, तो वो टेररिस्ट एक्ट के बारे में बताता है। वो टेररिज्म का अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में भी वो सेक्शन को इन्वोक कर सकता है पुलिस अगर मिसयूज़ करना चाहे तो ये भी डेंजरस है। ओवरऑल ये एक डेंजरस कानून मुझे लगता है, और हम लोग जो लॉयर्स हैं, जो बार एसोसिएशंस है, जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो इस चीज़ की अभी मुखालफत कर रही है या इस चीज़ को चैलेंज कर रही है या इस चीज़ को रोड पे उतर रहे हैं, आपको ये उसको क्या बोलते हैं, जैसे रोड पे प्रोटेस्ट उतर कर के रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत पहले करनी चाहिए थी जब ये लागू नहीं हुआ था उस टाइम में। अभी तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, आज से इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो अभी करके क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल कीजिए। पहली बार दो बार भी फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, जो पहली बार फाइल हुआ था जब ये बिल था उस टाइम में एक्ट नहीं हुआ था, तो वो उस टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये प्रीमैच्योर एप्लीकेशन है। जी दूसरा एप्लीकेशन आफ्टर इनएक्टमेंट फाइल हुआ, होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया बाय ऑब्जर्विंग दैट द पिटिशन वाज पुअरली ड्राफ्टेड। देयर आफ्टर कोई भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है या हाई कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है इसको चैलेंज करने के लिए। तो हम लोग को चाहिए था कि हम लोग के जो एसोसिएशंस हैं, जो हम लोग का बार काउंसिल है, उसको सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज करना चाहिए था, पहले चैलेंज करना चाहिए था। अभी बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी आज इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आज पूरे इंडिया में बहुत जगह पे नए प्रोविज़न में FIR हुआ है। लॉयर्स का काम जो है वो काफ़ी जिम्मेदारियों वाला होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी होता है। अब इस लॉ के आने के बाद जो पुराने मैटर हैं, यानी जो पुराने केस फाइल हो चुके हैं, वो पुराने ही दफ़ा के साथ चलेंगे, धारा उसमें पुरानी ही चलेगी, उसी के साथ फैसला होगा। जो नए हैं वो नए के साथ चलेंगे। कितना डिफ़िकल्ट होगा दोनों धाराओं को, दोनों केसेस को याद रखना, सभी एक्ट सभी लॉ को याद रखना? एक बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नहीं हैं, इंसान हैं, इंसान हमेशा हमेशा गलती करता है, कुछ भूल करता है। और जो पुराने केसेस अभी हैं हम लोगों के पास या जो भी चल रहे हैं, ये समझिए पुरानी लॉ अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये आने वाले 10 साल, 20 साल या 30 साल तक और चलने वाला है। क्योंकि जितने भी पुराने केसेस हैं IPC के द्वारा जो किए गए हैं, वो सारे मैटर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा उसको मैटर को किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। तो ये अभी भी ये 20 साल या 25 साल चलने वाला है, और फिर अभी नए जो केसेस स्टार्ट हो रहे हैं आज से, उसको नए प्रोविज़न के हिसाब से, नए लॉ के हिसाब से उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल लॉयर्स के लिए, इवन जजेस के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि दोनों प्रोविजंस को सही से मेंटेन करना, मेमोराइज करना, तो थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा ही। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है सरकार से, या फिर आगे आप लोगों का क्या स्टेप है? सरकार से अपील करने से सरकार मानेगी नहीं मेरे ख्याल से। अभी जो सरकार है, डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, इस लॉ को वापस अभी लेगी नहीं, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी जो मुझे लगता है एज अ लॉयर, कि
सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करना चाहिए था, करना चाहिए, और जो जो डेंजरस प्रोविजंस है उस प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन करके कुछ नया वहाँ पे गाइडलाइंस एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट मलिकुद्दीन साहब थे जो कलकत्ता हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको बता दें कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई के दिन से ही नया कानून जो है, वो 3 कानून जो बदलाव हो चुका है वो लागू हो चुका है, और जिसमें IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC और CRPC, ये तीनों के नाम को चेंज कर दिया गया है, कुछ धाराएं चेंज कर दी गई हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वकीलों को, जजों को फैसला सुनाने में, वकीलों को वहाँ पर बहस करने में, आर्ग्यूमेंट्स करने में कोर्ट के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी के खिलाफ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो बार एसोसिएशन है और जितने भी लॉयर्स हैं, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ, दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहां आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100650651।